28 मार्च 1994 की शाम एक रशियन एयरलाइन का एयरबस A310 विमान हवा में स्पिन करते हुए जमीन की तरफ आ रहा था। नीचे पथरीले पहाड़ थे और क्रैश की संभावनाएं बढ़ रही थी। इस प्लेन को अभी भी बचाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम थी। प्लेन का कंट्रोल किसी ट्रेन्ड पायलट के हाथ में नहीं बल्कि एक 16 साल के लड़के के हाथ में था, और यही बाद में इस क्रैश का कारण बना। आपको क्या लगता है, आखिर वो बच्चा प्लेन के कॉकपिट में क्या कर रहा था और क्या वो प्लेन क्रैश हुआ होगा? तो हुआ यूं था कि एरोफ्लोट नाम की एक रशियन एयरलाइन कंपनी का एयरबस A310 प्लेन मॉस्को से हांगकांग के लिए फ्लाई करने वाला था। फ्लाइट का टोटल टाइम 13 घंटे और 39 मिनट का था, और इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए 3 पायलट्स की जरूरत थी। फ्लाइट के कैप्टन इन कमांड थे 40 साल के एंड्रे डेनिलोव, जिनके पास 9500 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 950 घंटे उन्होंने एयरबस A310 पर ही बिताए थे। इसके अलावा फर्स्ट ऑफिसर वसीलियेविच पिस्कारेव और रिलीफ कैप्टन यारोस्लेव कर्दिंस्की के पास भी A310 पर 440 और 907 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसमें टोटल 63 पैसेंजर्स थे, जिनमें से 30 पैसेंजर्स तो एयरलाइन में काम करने वाले लोग ही थे, जिसमें व्लादिमीर माकारोव एक ट्रेन पायलट भी उनके साथ सफर कर रहा था। व्लादिमीर ने प्री फ्लाइट चेक के दौरान पायलट से रिक्वेस्ट करके ये परमिशन ले ली थी कि वो बाकी पैसेंजर्स के साथ नहीं बल्कि कॉकपिट में बैठकर ट्रैवल करेगा। यानी प्लेन में टोटल 4 लोग थे जो इस प्लेन को चलाना जानते थे। इसलिए ये बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि कैसे पायलट की गलती से इसे क्रैश किया गया। तो हुआ यूं था कि सभी चेक्स करने के बाद शाम की 8:39 पे यह फ्लाइट मॉस्को से टेक ऑफ करती है और करीब 30,000 फीट तक की ऊंचाई प्राप्त कर लेती है, जिससे 27 मिनट बाद उसे फाइनली 34,000 फीट के ऑल्टीट्यूड के लिए क्लाइंब करना कंटिन्यू रखना पड़ता है। पहले 4 घंटों तक फ्लाइट नॉर्मली ही चलती है, लेकिन 12:26 पर पायलट इन कमांड यानी एंड्रे कुछ घंटे रेस्ट करने के लिए कॉकपिट से बाहर चले जाते हैं और कमांड आ जाती है रिलीफ कैप्टन यारोस्लेव के हाथ में, जो कि फर्स्ट ऑफिसर के साथ वहीं कॉकपिट में मौजूद हैं। लेकिन उस दिन यारोस्लेव के बच्चे, जिनमें 13 साल की याना और 16 साल का एल्डार भी शामिल था, वो भी अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप के लिए इसी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे, और यारोस्लेव ने उन्हें भी कॉकपिट के अंदर बुला लिया। ये वो समय था जब एयर ट्रैवल और कॉकपिट एंट्री को लेकर काफी सख्त कानून नहीं बने थे। इस वजह से पायलट्स का अपनी फैमिलीज को कॉकपिट में इनवाइट करना काफी कॉमन था। प्रॉब्लम शुरू होती है 12:43 पर, जब कैप्टन अपनी बेटी याना से कहता है कि क्या वो प्लेन उड़ाना चाहेगी। याना काफी एक्साइटेड थी और वो यारोस्लेव की सीट पर बैठ जाती है और यारोस्लेव पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि यारोस्लेव अपने कंट्रोल्स फर्स्ट ऑफिसर को ट्रांसफर कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो हो रहा था ये उस समय भी इल्लीगल था, क्योंकि एक अनट्रेन्ड और अनब्रेज पायलट को प्लेन की कमांड दे दी गई थी। रूल्स के मुताबिक अगर कोई पायलट किसी भी वजह से अपनी चेयर छोड़ता है तो उसे प्लेन के कंट्रोल्स फर्स्ट ऑफिसर को ट्रांसफर करने होते हैं, लेकिन वो भी नहीं किया गया। अब क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर का काम फ्लाई करना नहीं बल्कि सिर्फ सिचुएशन को मॉनिटर करना था, इसलिए वो भी अपनी सीट को पीछे की तरफ करके एक रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाता है, और इस पोजीशन से प्लेन के पेडल्स तक पहुंचना आसान नहीं था। धीरे धीरे ये लोग जाने अनजाने में खुद ही एक बड़े डिजास्टर के लिए तैयार हो रहे थे। यहाँ पर भी ये लोग रुक जाते तो शायद सब सही रहता, लेकिन अब कैप्टन इसे एक लेवल आगे पुश करना चाहता था। उसने अपनी बेटी से कहा कि वो कंट्रोल व्हील को पकड़े। इसके बाद उसने प्लेन की ऑटो पायलट को नेविगेशन मोड से हटा दिया, यानी अब ऑटो पायलट प्री प्लान्ड रूट को फॉलो नहीं कर रहा था। इसके बाद पायलट ने प्लेन के हेडिंग बग कंट्रोल को लेफ्ट की तरफ 15 डिग्री घुमा दिया, जिससे कि प्लेन ने एक 20 डिग्री का टर्न लिया
और क्योंकि तब कंट्रोल व्हील याना के हाथ में था तो उसे लग रहा था कि जैसे वो ये सब कंट्रोल कर रही है। इसके बाद वो हेडिंग बग को फिर से घुमाकर प्लेन को एक राइट टर्न के साथ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आते हैं और ऑटो पायलट को फिर से नेविगेशन पर सेट कर दिया जाता है। इसके बाद करीब 12:52 पर याना सीट से उठती है और उसकी जगह पर 16 साल का एल्दार सीट पर बैठता है। इसी टाइम फर्स्ट ऑफिसर रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम को बताता है कि वो अगले 8 मिनट में साकिर वे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि एल्दार के कंट्रोल संभालते ही चीजें हाथ से फिसलना शुरू हो जाती हैं। जब एल्दार सीट पर बैठता है तो फिर से ऑटो पायलट को नेविगेशन से हटा दिया जाता है और हेडिंग बग को 15 डिग्री टर्न कर दिया जाता है। पर यहाँ पर परेशानी ये थी कि जहाँ याना के केस में उसने सिर्फ कंट्रोल व्हील पर हाथ रखा था, इस वजह से टेक्निकली वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर रही थी और प्लेन को स्टेबल रखने का काम भी प्लेन का ऑटो पायलट ही कर रहा था। लेकिन जब एल्दार को कंट्रोल व्हील दिया गया तो उसने यारोस्लेव से पूछा कि क्या वो इसे खुद टर्न कर सकता है। ये सुन के एल्दार ने हेडिंग बग को 15 डिग्री से ज्यादा टर्न कर दिया और एल्दार भी कंट्रोल व्हील पर फोर्स लगाने लगा। लेफ्ट की तरफ प्लेन को टर्न करने के बाद अब उन्हें वापस से राइट की तरफ आना था, तो हेडिंग बग को तो राइट की तरफ किया ही गया बल्कि साथ ही एल्दार भी राइट की तरफ फोर्स लगाने लगा और जितना प्रेशर उसे लगाना चाहिए था वो उससे ज्यादा लगा गया। अब इससे हुआ यूं कि प्लेन को स्टेबल रखने वाला जो ऑटो पायलट था वो कंफ्यूज होने लगा क्योंकि उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से जितना टर्न लेना चाहिए था वो ले चुका था, लेकिन क्योंकि टर्न करने का इनपुट पायलट की तरफ से आ रहा था तो ऐसे में ये एक नॉन नॉर्मल सिचुएशन बन गई थी जिसमें ऑटो पायलट को इस तरह प्रोग्राम किया जाता था कि वो पायलट को अथॉरिटी दे दे। अब ऑटो पायलट के 3 बेसिक काम होते हैं। एक तो है नेविगेशन, जिसमें वो ये ख्याल रखता है कि कहाँ जाना है। इसके बाद आता है बैलेंस, स्टेबिलिटी और टर्न, और आखिर में होता है हवा में ऑल्टीट्यूड को मेंटेन करके रखना। अब कई एयरक्राफ्ट्स में जब ऑटो पायलट अपना कंट्रोल पायलट को दे देता है तो वो पूरी तरह डिसेबल हो जाता है और प्लेन में एक लाइट चल रही होती है जिससे पता चलता है कि इस वक्त ऑटो पायलट मोड डिसेबल्ड है। एयरबस A310 एक अलग तरह का प्लेन था और जब एल्दार ने राइट हैंड साइड प्रेशर देना जारी रखा तो प्लेन का पूरा ऑटो पायलट डिसेबल नहीं हुआ बल्कि सिर्फ उसने लेटरल मूवमेंट यानी लेफ्ट और राइट का कंट्रोल पायलट को दे दिया और ऑल्टीट्यूड या हाइट के कंट्रोल्स अभी भी ऑटो पायलट के पास ही थे। अब क्योंकि ऑटो पायलट पूरी तरह डिसेबल नहीं था इसलिए ना ही कोई लाइट चली और ना ही कोई दूसरा इंडिकेशन उन्हें कॉकपिट में दिखाई दिया जिससे ये पता चल सके कि ऑटो पायलट अब लेटरल मूवमेंट्स के लिए काम नहीं कर रहा है। जब ऑटो पायलट ने ये कंट्रोल्स पायलट को ट्रांसफर किए थे तब अगर सीट पर कोई ट्रेन्ड पायलट होता तो उसे अपने आप ही फील हो जाता कि प्लेन अब किसके कंट्रोल में है, लेकिन एल्दार को तो ये फर्क मालूम ही नहीं था। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर के भी हाथ अपने साइड के कंट्रोल व्हील पर थे और उससे भी व्हील की फोर्स में फर्क महसूस हुआ होगा, लेकिन शायद उसने ये जानबूझकर उसे अनदेखा कर दिया कि ये शायद एल्दार की साइड के कंट्रोल व्हील के घूमने के कारण हो रहा है। इस वक्त प्लेन धीरे धीरे टर्न होता हुआ टेढ़ा भी हो रहा था, लेकिन इसके पहले कुछ सेकेंड्स किसी को ख्याल नहीं रहता क्योंकि पायलट तो अपनी बेटी से बात करने में बिजी था। और फिर जब अचानक एल्दार उसे बताता है कि प्लेन अभी भी टर्न कर रहा है, ये देखकर फर्स्ट ऑफिसर नेविगेशन सिस्टम को देखता है और पायलट को बताता है कि प्लेन होल्डिंग एरिया की तरफ जा रहा है। होल्डिंग एरिया यानी होल्डिंग पैटर्न उसे कहते हैं जब लैंडिंग से पहले या किसी दूसरी वजह से एक प्लेन हवा में एक लूप में उड़ना शुरू कर दे जिससे कि वो सेम एरिया में ही रहे। अब क्योंकि यहाँ पर इस तरह के होल्डिंग पैटर्न में जाने की कोई जरूरत नहीं थी इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, पर दरअसल प्लेन होल्डिंग पैटर्न में गया ही नहीं था। एयरबस A310 में एक फीचर ये भी था कि अगर प्लेन अपने ओरिजिनल रास्ते से भटक जाए तो जिस तरफ प्लेन जा रहा होता है वहाँ एक दूसरी नेविगेशन लाइन स्क्रीन पर बन जाती है, उसी तरह जैसे गूगल मैप्स के हिसाब से चलते हुए जब आप कोई रॉन्ग टर्न ले लेते हैं
तो गूगल अपने आप ही एक नया रास्ता आपको सजेस्ट करने लगता है। वही चीज यहाँ पर भी हो रही थी, क्योंकि प्लेन राइट की तरफ टर्न कर रहा था तो प्लेन ने एक नई नेविगेशन लाइन को पायलट्स को सजेस्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ प्लेन का बैंक एंगल भी अब 20 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री तक पहुंच गया था, जो कि ऑटो पायलट की लिमिट भी थी। अब यहां पर एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि पायलट अभी भी प्लेन का ऑल्टीट्यूड मेंटेन कर रहा था, इसलिए उसके पास अभी भी प्लेन के कुछ हिस्सों का कंट्रोल था। प्लेन का ऑल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए प्लेन की बैक साइड में कुछ इस तरह के फ्लैप्स होते हैं, जिनकी पोजीशन चेंज करके प्लेन को स्टेबल किया जा सकता है, और उन्हें एलिवेटर्स बोलते हैं। अब प्लेन क्योंकि टेढ़ा हो रहा था, जिससे कि जाहिर सी बात है कि प्लेन के ऑल्टीट्यूड पर भी फर्क पड़ता, इसलिए ऑटो पायलट बिना ये सोचे हुए कि प्लेन किस पोजीशन में है, वो एलिवेटर का बैक प्रेशर बढ़ाते हुए प्लेन को 34,000 फीट की ऊंचाई पर रखने की ही कोशिश कर रहा था। अब इससे हुआ यूं कि प्लेन का बैंक एंगल और भी बढ़ गया, और जब वो 45 डिग्री के एंगल पर आ गया तो वो नीचे की तरफ जाने लगा। इस दौरान अब ऑटो पायलट और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और प्लेन के ऑल्टीट्यूड को मेंटेन करने के लिए इस कदर कोशिश शुरू हो जाती है कि अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स ज्यादा से ज्यादा जी फोर्सेस एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। जब ये सब शुरू होता है तो फाइनली कॉकपिट के पायलट्स प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले को देखते हैं, और अचानक से यारोस्लेव चिल्लाते हैं, होल्ड इट, होल्ड द कंट्रोल कॉलम। अब किसी भी नॉन ट्रेन्ड पायलट के लिए इस ऑर्डर का मतलब यही होगा कि वो कंट्रोल कॉलम को उसी पोजीशन में पकड़ कर रखे, लेकिन दरअसल यारोस्लेव के ऑर्डर का असल मतलब ये था कि वो उसे लेफ्ट की तरफ टर्न करके प्लेन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। अब एल्डार ने तो राइट की तरफ ही उसे होल्ड करके रखा, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर इस कमांड को समझता था, इसलिए वो लेफ्ट की तरफ कंट्रोल व्हील को ले जाने लगा था। अब यहाँ पर परेशानी ये थी कि दोनों ही लोग अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे, और यहाँ पर एक दूसरा प्रोसीजर एक्टिवेट हो जाता है। वैसे तो प्लेन के दोनों व्हील्स पूरे प्लेन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में जहां किसी वजह से प्लेन का एक व्हील एक स्पेसिफिक पोजीशन में फंस जाए, तो एयरबस A310 में ये सेफ्टी फीचर भी था कि जब दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रही होगी तो दोनों व्हील्स के बीच का कनेक्शन आपस में टूट जाएगा, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अब लेफ्ट वाला व्हील प्लेन के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा और राइट वाला व्हील राइट को। अब यहाँ पर तीन इंडिपेंडेंट फोर्सेस हैं जो प्लेन को कंट्रोल कर रही हैं। पहले दो तो अल्दार और फर्स्ट ऑफिसर, और तीसरा खुद ऑटो पायलट है। फर्स्ट ऑफिसर पहले उसे लेफ्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक वो थोड़ा सा राइट की तरफ भी टर्न लेता है, पर अभी तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि प्लेन इस वक्त 90 डिग्री के एंगल पर हवा में है, और इस सिचुएशन में ऑटो पायलट ऑल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए सबसे एक्सट्रीम मेजर्स को इस्तेमाल करने लगता है। यहाँ पर ऑटो पायलट के लिए भी ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फाइनली कॉकपिट में ऑटो पायलट के डिस्कनेक्ट होने पर एक लाइट चलती है। प्लेन अब तेजी से नीचे आ रहा है। दोनों पायलट एल्दार को चिल्लाते हुए लेफ्ट की तरफ टर्न करने के लिए बोलते हैं। प्लेन तेजी से नीचे की तरफ आने लगता है, और 12:55:58 पर जब प्लेन ऑलरेडी 90 डिग्री के बैंक एंगल पर था, वो नीचे की तरफ भी 20 डिग्री के पिच डाउन एंगल पर प्लेन को तेजी से डिसेंडिंग स्पीड दे देती है, और फिर कुछ ही सेकंड्स में ये एंगल बढ़कर 50 डिग्री का हो जाता है, और ये प्लेन 200 मीटर पर सेकंड की तेज स्पीड से नीचे जमीन की तरफ आने लगता है। अब 12:56:18 पर फर्स्ट ऑफिसर दोबारा लेफ्ट की तरफ जाने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि उसे जमीन दिख रही होती है, लेकिन प्लेन को कंट्रोल करने के लिए उन्हें जिस तेजी से उसकी डायरेक्शन बदलनी पड़ती है, उससे उनके ऊपर 4.6 ग्राम की फोर्स पड़ती है। इससे लोगों को तो नुकसान पहुंच ही सकता था, पर साथ ही प्लेन में भी कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज पैदा हो जाती हैं और उसकी शेप बिगड़ने लगती है, पर ये पूरा मैनोवर काम कर जाता है, और जब नीचे जाने की बजाय फिर से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, जिससे प्लेन की स्पीड भी अब 400 नॉट से 100 नॉट हो जाती है, और जी फोर्सेस का प्रभाव भी कम होने लगता है। और इस सिचुएशन में फाइनली यारोस्लेव द्वारा एल्दार को सीट छोड़ने के लिए कहा जाता है,
और ऐसा लगता है कि अब सब कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जैसे ही एल्दार अपनी सीट से उठने की कोशिश करता है, उसका पैर लेफ्ट हैंड के रडर को पुश कर देता है, जिससे अचानक से पूरा प्लेन हवा में राइट साइड की तरफ स्पिन करना शुरू कर देता है। इस पॉइंट पर प्लेन की नोज वापस ग्राउंड की तरफ देखने लगती है और वो तेजी से नीचे की तरफ एक वर्टिकल डाइव लगाता है। प्लेन इस वक्त इस लेवल के फ्री फॉल पर होता है कि प्लेन की ग्रेविटी जीरो हो जाती है और उसके अंदर मौजूद सभी लोग वेटलेसनेस को महसूस कर रहे होते हैं। फाइनली 12:57:11 पर पायलट यानी कि यारोस्लेव वापस अपनी सीट पर आ जाता है और अब नीचे गिरता हुआ प्लेन वापस धीरे धीरे स्टेबल होने की कोशिश करने लगता है। अब वैसे तो यारोस्लेव की कोशिशें बहुत अच्छा रिजल्ट अब नहीं प्रोड्यूस करने वाली थी, लेकिन उनके बचने की उम्मीद थोड़ी बहुत बाकी थी। 12:57:47 पर एक बार फिर कोई लेफ्ट रडर को पुश कर देता है, जो कि जरूर गलती से ही हुआ होगा, लेकिन इस वक्त प्लेन जमीन से सिर्फ 1000 फीट ही दूर था, इसलिए जब वो स्पिन करना शुरू करता है तो नीचे आकर वो क्रैश होता है। 12:58:01 पर यह प्लेन क्रैश होता है और शायद अब आप भूल गए हों, लेकिन इससे सिर्फ 3:15 पहले ही एल्दार पहली बार पायलट की सीट पर बैठा था, यानी कि ये पूरी घटना अगले 3 मिनट में हुई है, जो शायद इन पायलट्स की जिंदगी के सबसे मुश्किल 3 मिनट थे। प्लेन में मौजूद 63 पैसेंजर्स के साथ 9 केबिन क्रू मेंबर्स और 3 पायलट्स सभी क्रैश के बाद तुरंत ही मर जाते हैं, और ये इतनी रिमोट लोकेशन पर क्रैश करता है कि रेस्क्यू वर्कर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ आना पड़ता है। अब कई लोगों का एक सवाल ये भी रहता है कि अगर इस तरह के क्रैशेस में सभी लोग मर गए हैं, तो फिर हमें इतनी डिटेल में इनकी स्टोरी कैसे पता है? देखिए, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हर एक कमर्शियल प्लेन में एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इंस्टॉल किया होता है, और जब भी कोई प्लेन क्रैश करता है तो जिंदा पैसेंजर्स के बाद उस मलबे में सबसे पहले इन्हीं को ढूंढने की कोशिश की जाती है, जिससे कि उस क्रैश पर पूरी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाई जा सके और ये पता चल सके कि वो क्रैश क्यों हुआ था। इस क्रैश के केस में भी वैसा ही हुआ है और इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन जब दुनिया के सामने इस क्रैश की वजह बताई गई, तब ये घटना और भी दुखद हो गई, क्योंकि बाकी केसेस में कोई ना कोई टेक्निकल या दूसरी तरह के फॉल्ट्स होते हैं, जिन्हें शायद उस वक्त बेहतर तरीके से हैंडल नहीं किया जा सकता, लेकिन इस क्रैश में वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि यहां पर जानबूझकर एक नॉन ट्रेन्ड बच्चे को प्लेन का कंट्रोल हाथ में दिया गया और प्लेन में मौजूद सभी 75 लोगों की जिंदगी को रिस्क में डाला गया। इस क्रैश के बाद इंडस्ट्री में भी काफी बदलाव आए। एयरबस को बोला गया कि ऑटो पायलट के डिस्कनेक्ट होने पर प्रॉपर वार्निंग सिस्टम्स लगाए जाने चाहिए, और दूसरी भी कई टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स हुए। एयरलाइन कंपनीज की बात की जाए तो पायलट्स के ट्रेनिंग के पैटर्न और उन्हें अपसेट एंड रिकवरी सिचुएशंस के लिए ट्रेन करने के लिए भी अलग से एफर्ट्स किए गए, और फाइनली कॉकपिट में कौन आ सकता है और पायलट्स कब अपनी सीट छोड़ सकते हैं, उसे लेकर भी नई गाइडलाइंस एनफोर्स की गई। फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।